अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम एक नया बेकिंग ओवन लेकर आए हैं और एनएक्स कंपनी का ये बेकिंग ओवन है। कन्वेक्शन फ़ैन है, जैसा कि आप सबको मालूम है, नॉन कन्वेक्शन फ़ैन भी आते हैं इसमें और कन्वेक्शन फ़ैन भी आते हैं। और ये मॉडल है AG3069। ठीक है जी। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन ये हमें बेस्ट लगा क्योंकि इसमें फर्दर ऑप्शंस भी हैं जो कि मैं आपको आगे जाके गाइड कर दूंगा इस बारे में। और इसमें हम कर क्या क्या सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले बेकिंग भी कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल एंड टोस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम मज़ीद इसकी अगर ऑप्शंस में जाएं तो ये एक टोस्टिंग के लिए रोल्स, ब्रेड, पिज़्ज़ा, सॉसेजेस, कुकीज़, ठीक है, इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन है, जैसा कि हमने शॉप पे भी चेक किया था। और मज़ीद आप आगे चल के देखिएगा, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। और अभी हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ओके, तो अभी हम इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, तो लेट्स सी। और इंशाल्लाह होप सो कि आप सबको भी इस चीज़ का डिज़ाइन पसंद आएगा। उसके बाद ओके गाइस, अभी हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्रिल प्लेट दिखा दी गई थी, इसके अलावा ये भी एक किस्म के ग्रिल्स जो इसमें हम डिफरेंट किस्म के हम ऑप्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। ओके, एंड अब हमारे पास आ गई ग्रिल प्लेट्स के स्टैंड्स। इसके अलावा हमें ग्रिल प्लेट्स के लिए जो कैचर हमने यूज़ करने हैं वो चीज़ें आ गई हैं, उसको टच। तो सबसे पहले यूज़र मैनुअल, ठीक है जी, ये आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छा होता है, हम लोग तो इसे एक फजूल चीज़ समझते हैं, लेकिन गाइडेंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको ईच एंड एवरी थिंग की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, तो इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके साथ पिज़्ज़ा पैन आपका क्या एक, और आई थिंक सो दो तीन क्वालिटी के इसके अंदर पिज़्ज़ा पैन अवेलेबल हैं। ये एक और आ गया हमारे पास, बेकिंग पैन आ गया दो, ठीक है जी। और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज अवेलेबल हैं इसके साथ। और ये आ गया हमारे पास एक और पिज़्ज़ा पैन, पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर बेकिंग के लिए भी यूज़ हम कर सकते हैं इसे। ओके गाइस, दिस इज़ 45 लीटर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ। और ये इसके साथ एक ऊपर हॉट प्लेट इसकी आई है, जिसमें आप खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं। इसको हम उतार भी सकते हैं अगर उतारना चाहें तो। और ये बेसिकली इसकी टॉप पे है। और ये आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ हॉट सरफेस, ये जो प्लेट है ये आपकी गर्म हो जाएगी, और इसके बाद आपने इसे एक्सेस से दूर रखना है कि एटलीस्ट आपके हाथ इसे ना टच कर सकें। तो ये तो थी एक टिप। और इसके बाद ये नॉब्स इसके आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत एलिगेंट। साथ हमारा टू सॉकेट प्लग आता है, ठीक है, जो इजीली आप किसी भी स्विच बोर्ड में आप लगा सकते हैं। और ये बेसिकली जो ये है, ये 250 वोल्ट का बेकिंग ओवन है, ठीक है, 250 वोल्ट की लाइट पे हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसको एक तो सही तरह से जोड़ने की तरकीब वो हम बताएँगे आपको,
ठीक है, और फिर उसके बाद इसका यूज़ हमने कैसे करना है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पे इन द फ्यूचर आपको कुकिंग की वीडियोस, बेकिंग की वीडियोस और इस तरह की मज़ीद अच्छी चीज़ों की अनबॉक्सिंग की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।